हे गाइस, सो वेलकम टू एक्स फॉरस यूट्यूब चैनल। और आज 19 पार्ट है बैच का। तो हम जो है पैरामीटर एक्सपेंशन को रिविजिट करने वाले हैं इन हाल ही के पार्ट्स में, 19 या इसके जो सब पार्ट्स होने वाले हैं, 19.1, 19.2। ऐसा इसलिए क्योंकि ये काफ़ी कूल फीचर है एंड अभी बहुतों को इसमें दिक्कतें आ रही हैं, तो मैं प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करूँगा जितना हो सके उतना डीप, और वेरियस एग्जाम्पल्स मैं लेने वाला हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें 4-5 वीडियो में डालूंगा इसी पैरामीटर एक्सपेंशन पे अलग अलग चीज़ों को लेकर। सबसे पहले आज हम देखेंगे हम सब स्ट्रिंग रिमूवल कैसे करते हैं विद यूजिंग पैरामीटर एक्सपेंशन फीचर इन बैश। ठीक है, सो हाउ कैन वी डू। सो मैं आज जो करने वाला हूँ वो इसके ऊपर है, हालांकि मैं इसके बारे में आपको इन्फॉर्म कर चुका हूँ। ठीक है, ये वाला तो मैं बता ही चुका हूँ, ये सेकंड और आज मैं बताऊँगा, तो और बढ़िया से समझने की कोशिश करना और डाउट हुआ तो कमेंट में यूज़ करना। ओके, सो वेयर वन, वेयर टू, वेयर थ्री। तो मैंने 3 वेरिएबल इंट्रोड्यूस किए हैं और वैल्यूज़ आप देख सकते हैं उसके नीचे आते हैं यहाँ पे। इको वेयर वन, सबसे पहले मैं इसको रन करता हूँ ताकि आउटपुट आपके पास हो, देन हम एक एक कोड को आउटपुट से रिलेट करके समझने की कोशिश करेंगे। ओके, सो नाइस। तो चलो भाई देखते हैं। तो सबसे पहला आउटपुट आप देख सकते हो यहाँ पे SH, यानी कि ये वाला लाइन यहाँ प्रिंट हुई है SH, एंड ऐसा क्यों? तो काफ़ी कूल है ये, यहाँ पे ये प्रिंट हुआ क्यों? तो हम इसके लिए जाएंगे वेयर वन की वैल्यू पकड़ते हैं पहले। तो वेयर वन की वैल्यू है test.sh। ठीक है, उसके बाद मैंने हैशटैग लगाया, इसका मतलब ये कि मैं बैश को बताने वाला हूँ कि हैशटैग का मतलब जो भी मैंने वेरिएबल की वैल्यू यहाँ यूज़ कर रहा हूँ उसमें से, वो एक स्ट्रिंग है जाहिर सी बात है, और उस स्ट्रिंग में से मैं कुछ पार्ट काटना चाहता हूँ, उसे काटने के बाद बैश आपको रिटर्न करेगा वैल्यू जो भी बचेगी। अब काटेगा किसे वो, मतलब इतना बड़ा स्ट्रिंग है, लाइक test.sh स्ट्रिंग है, इसमें से क्या काटना है क्या नहीं ये आप बताएंगे हैशटैग के बाद। तो हैशटैग के बाद जब मैंने स्टार यूज़ किया है, ठीक है, तो सॉरी, अरे यार ये तो bash.19.sh पहला आउटपुट ये है, test.sh, सॉरी गलती होगी। तो पहला आउटपुट वाली लाइन यहाँ से है, आप चाहे तो देख लो, मैं और क्लैरिटी के लिए यहाँ पे रख स्टार्टिंग। ठीक है, सो कूल, तो ये यहाँ पे हो गया। चलो दोबारा रन करते हैं इसको, क्लियर एंड दिस। ओके, तो स्टार्टिंग के बाद से आप देख सकते हो ये पहला लाइन है, पहली आउटपुट है। ठीक है, तो वापस यहाँ आते हैं। तो हैशटैग के बाद मैंने यहाँ पे एस्ट्रिस्क का साइन लगाया, अगेन एस्ट्रिस्क, मैं बार बार एस्ट्रिस्क यूज़ करता हूँ ताकि आपको बता सकूँ ये क्या है। तो अगेन मैं वही बोलूँगा, इट्स लाइक अ यूनिवर्सल सेट। यहाँ पे एस्ट्रिस्क का मतलब जब मैं लगा रहा हूँ, यानी कि देखो यहाँ पे ये रेगुलर एक्सप्रेशन का काम कर रहा है, आप इसके बारे में थोड़ा जानकारी लें गूगल से बेहतर रहेगा, इसको सीखें, काफ़ी कूल चीज़ है और हर लैंग्वेज में काम आएगी। लाइक आपको जावास्क्रिप्ट सीखनी है, पाइथन सीखनी है या बैश है, तो इन तरह की जो लैंग्वेज है जो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन काफ़ी अच्छे से कर सकती हैं, यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन, यहाँ तक कि सी में भी रेगुलर एक्सप्रेशन है, लिब रिजेक्ट्स करके एक लाइब्रेरी है उसकी, तो उसमें यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ देखो, हैशटैग के बाद मैंने कुछ बोला नहीं करने को, मैंने एक रेगुलर एक्सप्रेशन दिया है। गाइज, अगर मैं रेगुलर एक्सप्रेशन ना दूँ, आपके मन में हो सकता है या रहा हो कि क्या रेगुलर एक्सप्रेशन ही दे सकते हैं, मतलब और कुछ नहीं दे सकते, तो बिल्कुल आप दे सकते हो भाई। यहाँ पे मैं वेयर वन सी एंड टी, तो मैं यहाँ पैटर्न में टी दे रहा हूँ, तो मैं बैश को यानी कि ये बोल रहा हूँ, हैशटैग के बाद मैं दे रहा हूँ टी, तो यानी कि बैश को मैंने ये बोला, सुन भाई बैश, वेरिएबल का नाम है वेयर वन, ठीक है, जिसमें वैल्यू पड़ी है, जिसमें वो स्ट्रिंग पड़ा है जिसको तुझे काटना है। ठीक है, हैशटैग के बाद मैंने बोला टी, तो बैश को मैंने बोला भाई टी दे रहा हूँ, इसे काटना है उस स्ट्रिंग में से, और हैशटैग का मतलब उस स्ट्रिंग की स्टार्टिंग से काटना है। ठीक है, हैशटैग का एक और वेरिएशन है, मतलब ये तो हैशटैग का, हैशटैग हमेशा स्ट्रिंग की स्टार्टिंग से काटता है, और एक इसका दूसरी वेराइटी है जो स्ट्रिंग के लास्ट से काटती है हमेशा, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो इतना बड़ा वीडियो नहीं करनी है, ना खिचड़ी पकानी है, सिर्फ हैशटैग वाला देख रहे हैं। ये हमेशा बैश को बोलती है कि स्ट्रिंग आपको काटना है और कटिंग आपको हमेशा स्टार्टिंग से करनी है स्ट्रिंग की। ठीक है,
समझ गए। नाउ स्टार्टिंग से कटिंग करनी है और पैटर्न दिया है टी, तो काटेगा वो क्या, टी ही काटेगा। आप चाहे तो अब इसको रन करके देख सकते हो। ओके सो रन करने के बाद स्टार्टिंग से देखो, यहाँ पे टेस्ट डॉट एस एच की जगह ई एस टी डॉट एस एच है, यानी कि टी कट गया। अब ऐसे ही अगर यहाँ पे मैं टी की जगह और कुछ भी लिख सकता हूँ क्या, ई, तो गाइस टी ई लिखते ही टी ई कट जाएगा पूरा, एस लिखते ही टेस्ट कट जाएगा, और अगर मैं टेस्ट लिख दूँ और साथ में टेस्ट कट जाएगा, और अगर टेस्ट डॉट लिखूँ तो टेस्ट डॉट कट जाएगा। मैं रन करता हूँ तो देखो, स्टार्टिंग के बाद टेस्ट डॉट कट चुका है, बचा क्या फिर एस एच, तो वही प्रिंट हुआ है, ओनली एस एच, ठीक है। तो समझ रहे हो आप ये तो, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना ना। देखो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, रियल वर्ल्ड में आपका सिनेरियो हो सकता है कि आपको एक फाइल नेम पता है एंड आपको उसमें से उसका एक्सटेंशन निकालना है, यानी कि आपको उसको फाइल नेम में से एक्सटेंशन एक्सट्रैक्ट करना है, यानी कि फाइल नेम है यहाँ पे टेक्स्ट डॉट एस एच, और आप चाहते हैं टेक्स्ट डॉट एस एच में से हमें इसका एक्सटेंशन पता चल जाए क्या है, एस एच किस तरीके से हमें मिल जाए, तो हम यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। बट हमें ये तो मैं बोल रहा हूँ ना, टेस्ट डॉट एस एच हो सकता है फाइल का नाम कुछ और हो, ब्ला ब्ला डॉट एस एच, तो कैसे काटूँ। मतलब मुझे बैश को कुछ इस तरीके की चीज़ें कहनी है कि भाई सुन, ये स्ट्रिंग है, इसको स्टार्टिंग से काटना है, और तुझे देखना है कि डॉट से पहले हर चीज़ तू काट दे, डॉट की स्टार्टिंग से हर चीज़ कट जानी चाहिए इंक्लूडिंग डॉट, और बचा क्या फिर जब आप किसी फाइल में से, लाइक ऑडियो डॉट एम पी थ्री फाइल है एक, उसमें से आप डॉट इंक्लूडिंग डॉट से राइट हैंड, यानी कि देखो स्ट्रिंग का स्टार्टिंग राइट हैंड से होता है ना, सॉरी लेफ्ट हैंड, तो डॉट के लेफ्ट हैंड से सब काट दोगे इंक्लूडिंग डॉट, तो बचेगा क्या एम पी थ्री, तो आपको मिल गया ना उसका एक्सटेंशन। इस तरह की चीज़ कैसे बोल सकता हूँ मैं हार्ड कोड ना करके, तो यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन हमें बचाते हैं, ठीक है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ पे मैंने स्टार यूज़ किया है फिलहाल, तो ये वाली लाइन प्रिंट हुई है, तो स्टार यूज़ का मतलब यहाँ पे बोला है मैंने हैशटैग। देखो सिंगल हैशटैग का मतलब हमेशा ये होता है, स्ट्रिंग का स्टार्टिंग से कटिंग करनी है, और इसका एक और मतलब होता है, क्योंकि एक डबल स्टैग डबल हैशटैग वेरिएशन भी है इसका, तो दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में एक ही फ़र्क है, हैशटैग वाला फिर जो सिंगल हैशटैग वाला है वो कटिंग करेगा हमेशा पॉसिबल स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग, मतलब पॉसिबल स्मॉलेस्ट सब स्ट्रिंग फ्रॉम मेन स्ट्रिंग, ठीक है। जब से पॉसिबल और छोटा, सबसे छोटा पॉसिबल जो भी स्ट्रिंग होगा उसे ये काटता है, ठीक है। और जो डबल हैशटैग है वो सबसे बड़ा पॉसिबल स्ट्रिंग काटता है मेन स्ट्रिंग में से, समझ रहे हो। एग्जांपल ले लेते हैं, अभी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने हैशटैग स्टार लगाया, स्टार का मतलब यूनिवर्सली, मतलब हर चीज़ आती है, हर चीज़, यानी कि स्ट्रिंग के अंदर मैंने बैस से बोला, बैस भाई सुन, वेयर वन की जो भी वैल्यू है इस स्ट्रिंग में मैंने लगाया है हैशटैग के बाद स्टार, यानी कि तुझे हर चीज़ काट देनी है, एवरीथिंग काटना है, कुछ नहीं बचना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है कि बैश को मैंने बोल रहा हूँ कि हर चीज़ काटनी है, पर साथ में मैंने हैशटैग वाला यूज़ किया है, सिंगल हैशटैग वाला, तो हुआ ये कि बैश ने ढूंढा कि कौन सा स्ट्रिंग पॉसिबली छोटा है, लेकिन छोटा कोई है ही नहीं, क्योंकि स्ट्रिंग वो पूरा एक इंडिविजुअल स्ट्रिंग सिंगल है यार, टेस्ट डॉट एस एच है, वो ही बड़ा सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग वही है वहाँ पे, वहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते आप छोटा स्ट्रिंग कौन सा है, बड़ा स्ट्रिंग कौन सा है। अगर मैं एनीथिंग की बात कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ पूरा टेस्ट डॉट एस एच ही उड़ जाए वेरिएबल से, पूरा 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 वेरिएबल नेम ही उड़ जाए, तो लॉन्गेस्ट तो वही है भाई, तो शॉर्टेस्ट वो नहीं हो सकता, तो यानी कि शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग मिला नहीं तो हैशटैग काम करेगा नहीं, यानी कि कुछ उड़ा नहीं पाया बैश। तो आप देख सकते हो ये वाली लाइन, ये वाली प्रिंट हुई है और कुछ नहीं उड़ पाया। अब ये वाली लाइन, ये जो ब्लैंक लाइन देख रहे हो ना, ये इसकी वजह से प्रिंट हुआ है, क्यों, क्योंकि यहाँ डबल हैशटैग यूज़ हुआ है, और डबल हैशटैग ने क्या करा, बैश को बोला सब कुछ उड़ाना है लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट तो वो खुद ही है, तो खुद ही उड़ा दिया उसने पूरे टेस्ट डॉट एस एच को। नाउ अब देखो ये, और यहाँ पे एक कमेंट पढ़ो, ये वाला कमेंट और उसके नीचे ये लाइन, जहाँ पे मैंने यूज़ किया है सिंपल वेयर वैन सिंगल हैशटैग एंड एस्ट्रिस का साइन विद डॉट, समझ रहे हो। यहां मैं, और इसका आउटपुट मैं आपको पहले दिखा दूं, वो है ये, ठीक है, और एक डबल हैशटैग वाला आउटपुट है ये। अब आप कहोगे दोनों में कोई फर्क है नहीं, ठीक है, तो मतलब इनमें डिफरेंशिएट क्या है, मतलब सिंगल हैशटैग भी एस एच आउटपुट दे रहा है, डबल हैशटैग वाला भी एस एच आउटपुट दे रहा है,
ये दोनों सेम आउटपुट दे रहे हैं, तो कब ये इनके केस अलग होंगे, मैं क्यों इनमें से एक यूज़ करूँ और ना करूँ, वो अभी देखते हैं थर्ड वेरिएबल के एग्जाम्पल से। फिलहाल यहाँ पे आओ, तो यहाँ पे मैंने एस्टरिस्क के साथ डॉट यूज़ किया है। नाउ मैं क्या कहना चाहता हूँ बैज से कि बैज भैया सुनो, अब की बार जो हमने स्ट्रिंग दिया है उसमें से आपको कटिंग करनी है हमेशा, और हैशटैग दिया है तो यानी कि आपको लेफ्ट हैंड से यानी कि स्टार्टिंग से कटिंग करनी है। प्लस सिर्फ एस्ट्रिक्स नहीं दिया, यानी कि एस्ट्रिक्स के साथ एक डॉट दिया है, यानी कि ये एक रेगुलर स्पेशन मिल के बनता है। और इसका मतलब ये होता है जब एस्ट्रिक्सन मैं डॉट दूँ कि भाई आपको इंक्लूडिंग डॉट और डॉट के साथ जो भी पॉसिबल मैच हो रहा है स्ट्रिंग का वो काट देना है। तो डॉट के साथ शॉर्टेस्ट पॉसिबल मैच हो रहा है टी ई एस टी डॉट, मतलब डॉट लगा हो एंड उसके लेफ्ट में मैंने एस्ट्रिक्स लगाया तो यानी कि डॉट के लेफ्ट में कुछ भी हो सकता है। एस्ट्रिक्स का मतलब कुछ भी, एनीथिंग है ना, एस्ट्रिक्स का मतलब होता है एनीथिंग, तो कुछ भी हो डॉट के बराबर में उसके सहित, डॉट तो है ही और डॉट के बराबर में कुछ भी हो लेफ्ट में वो आपको उड़ा दो। तो इसको ये एस्ट्रिक डॉट इस केस में एवेल्यूएट होगा टेस्ट डॉट से और टेस्ट डॉट उड़ा दिया जाएगा, बचेगा एस एच। एंड सिमिलरली यहाँ पे मैंने बोला है यही चीज़, बट यहाँ डबल एस्टेक का मतलब लॉन्गेस्ट, तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट कुछ है नहीं क्योंकि टेस्ट डॉट एस एच ही है बस। तो जब मैचिंग होगी तो टेस्ट डॉट आएगा और टेस्ट डॉट एक सिंगल, मतलब इसके बड़ा कोई डॉट वाला चीज़ नहीं है, यहाँ पे ओनली टेस्ट डॉट ही है। तो यहाँ पे भी यही उड़ेगा, यही लॉन्गेस्ट है, यहाँ पे भी शॉर्टेस्ट भी यही है, लॉन्गेस्ट भी यही है, तो उड़ गया। ठीक है, इको न्यू लाइन प्रिंट हुई। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल एस्ट्रिक्स का साइन अगेन, यहाँ पे हैशटैग यूज़ किया है, एस्ट्रिक्स यूज़ किया है, यानी कि एनीथिंग उड़ा दो, बट फिर यहाँ पे चेक कर रहा है सबसे छोटा स्ट्रिंग, जो कि यहाँ पे सबसे छोटा स्ट्रिंग कोई नहीं है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ आपको मैं दिखाना चाहूँगा, जरा वीडियो पॉज करता हूँ। ओके सो कमिंग टू द पॉइंट अगेन, तो यहाँ पे हम यहाँ पे थे, तो यहाँ पे ये वेरिएबल टू वाला है ना, हाँ वेरिएबल टू, सिमिलरली डबल लगाया तो सभी उड़ गया, एंड अगेन यहाँ पे स्टार यूज़ कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे मस्त बात है क्या, यहाँ जब मैंने ये वाली लाइन प्रिंट हुई वो ये वाली लाइन है, तो ये वाली लाइन अगेन मैंने बोला भाई, तो ये देखो दो, अब जब यहाँ मैं लगा रहा हूँ स्टार के साथ, मतलब स्टार के संग डॉट, तब ये इवेल्यूएट होगा टू पॉसिबल आउटकम्स में, वहाँ से भी एक ही पॉसिबल आउटकम था और यहाँ दो हैं, पहला कॉम डॉट और दूसरा कॉम डॉट सॉन्ग डॉट, और कोई पैटर्न नहीं बन सकता, बना सकते हो तो बना दो स्ट्रिंग में से, नहीं बनेगा डॉट के साथ एंड उसके लेफ्ट में कोई पैटर्न कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से दो ही पैटर्न मैं बना पाया हूँ, कॉम डॉट और कॉम डॉट सॉन्ग डॉट, ये दो पैटर्न बने। अब इन दो पैटर्न्स में से कौन सा पैटर्न रिमूव करना है वो डिपेंड करेगा हैशटैग पे, समझो बात को। देखो यहाँ पे एक मिनट, यहाँ एक वेरिएबल मिस्टेक हो गई है, ठीक है तो आउटपुट में गड़बड़ी हो गई, मैं दोबारा से प्रिंट करता हूँ। ठीक है चलो, तो हम यहाँ पे थे, सॉरी यहाँ पे थे, ये रहा, तो ये वाली लाइन से ये वाली लाइन प्रिंट हुई है सॉन्ग डॉट एम पी थ्री, तो कटा गया, ये भी कट सकता था, ये भी कट सकता था, बट चूंकि हैशटैग यूज़ किया है सिंगल वाला, तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल स्ट्रिंग, तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल स्ट्रिंग इसमें से ऑफकोर्स कॉम डॉट है शॉर्ट, तो इसकी लेंथ 4 है, बल्कि उसकी लेंथ ज़्यादा है 4 से। तो एंड सेकेंड वेरिएशन में डबल हैशटैग, तो इन दोनों में से लॉन्गेस्ट कौन है, ये, तो ये कट गया, तो बचा क्या, MP3। तो यानी कि आप यूनिवर्सली एंड जनरली ये वाला वेरिएशन यूज़ कर सकते हैं हर तरह के हैंडल केस करने के लिए, मतलब हर तरह के केसेस हैंडल करने के लिए। लाइक अगर कोई भाई होता है ना, MP3 फाइल्स अगर इस तरह के फॉर्मेट में हो, किसी वेबसाइट से आपने डाउनलोड की हो, उस वेबसाइट का नाम उसने MP3 से पहले जोड़ रखा हो डॉट के साथ, तो जब आप सिंगल वेरा यूज़ करेंगे हैशटैग, तब आपको पाएंगे कि आप एक्सटेंशन नहीं ले पाए तब भी, क्योंकि उसके अंदर एक से ज़्यादा डॉट थे। लेकिन जब आपने लॉन्गेस्ट वाला यूज़ किया, तो लॉन्गेस्ट वाला हमेशा हमेशा सबसे लास्ट वाला डॉट, जो कि एक्सटेंशन वाला ही होगा, उससे पहले और उस डॉट को उड़ा देगा, है ना मज़ेदार बात। और एक और एग्जाम्पल लेते हैं और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो इको, अब यहाँ पे आते हैं MP3 के बाद, ठीक है MP3 हो गया है, अब वेरिएबल 3 की बारी है, तो वेरिएबल 3 यहाँ पे प्रिंट हुआ है, ये रहा, ये वेरिएबल 3 की वैल्यू है, और लॉन्गेस्ट जब मैंने डबल हैशटैग लगाया तो पूरा ही उड़ गया है। और यहाँ पे कमेंट में पढ़ो, अब यहाँ पे इस केस में, इस स्ट्रिंग के केस में एस्ट्रिक्स डॉट
या स्टार डॉट इवेल्यूएट होगा 4 1 2 3 1 2 3 तीन पॉसिबल स्ट्रिंग्स में, कॉम डॉट पागल वर्ल्ड एल डॉट एंड कॉम डॉट पागल वर्ल्ड एल पागल वर्ल्ड डॉट अटेंशन डॉट। तीन वेराइटीज़ हैं स्ट्रिंग्स की, और जब मैं पहला वेरिएशन यूज़ करूँगा तो इसमें से कॉम डॉट उड़ेगा बस, क्योंकि सबसे छोटा यही है। और दूसरा वेरिएशन डबल हैशटैग के साथ यूज़ करूँगा अगेन, तो सबसे बड़ा है कॉम डॉट पागल वर्ल्ड डॉट अटेंशन डॉट। इसको उड़ाने के बाद बचता है ओनली MP3, और वो आपके सामने यहाँ आउटपुट में आपको दिख रहा होगा। तो कितनी कूल बात है गाइज ये, कूल तो है ही। ओके अच्छा एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर यहां मैं टी, अगर मैं टी लिखता हूं तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि टी उड़ जाएगा स्टार्टिंग से, लेकिन व्हाट अबाउट अगर मैं ई लिखूं, तो आप अगर आपके मन में ये ख्याल आ रहा है कि मैं अगर ई लिखता हूं तो ये स्टार्टिंग में मैच करेगा ई, और ई को उड़ा के सिर्फ टी एस टी डॉट एस एच देगा, तो आप बिल्कुल गलत है। ठीक है मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका कुछ भी असर नहीं पड़ने वाला, और ये थोड़ा अलग दिखे तो मैं यहाँ पे टेस्ट, ताकि आप इस आउटपुट को पहचान पाए, अलग ही मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है तो ये आउटपुट लास्ट वाला जो मैं आपको बताना चाह रहा था, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, देख सकते हो कुछ ट्रिम नहीं हुआ। मतलब आप सोच रहे हो कि अगर मैं पर्टिकुलर एलिमेंट्स इंडिविजुअल एलिमेंट्स हटा सकता हूँ, तो ऐसा नहीं है, ये हमेशा स्टार्टिंग में ही देखेगा पैटर्न्स। तो अगर टी, अगर ई स्टार्टिंग में होता पहला एलिमेंट तो उड़ता, अदरवाइज़ नहीं उड़ने वाला बीच में से। टी ई इकट्ठे उड़ा सकता हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में वो टी मैच कर लेगा, फिर ई भी मैच कर लेगा, समझ रहे हो मेरी बात। आप इस तरीके से नहीं कर सकते जैसा मैंने यहाँ करने की कोशिश की। तो आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई हो, कोई भी गिला शिकवा रह गई हो तो भाई कमेंट में ज़रूर बता देना, और लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और ऐसी बैच की कूल वीडियोज़ आती रहेंगी।